play hide and seek? You hide, and I'll find you. I will show you where I play hide and seek. Audio jungle. I lost my mind. I'm alone and scared. Audio jungle. Don't be afraid. अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहा आले रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है, मैं आप सबके लिए ये दुआ करती हूं कि आप सब लोग जहां रहें खुश रहें और अल्लाह पाक का हमेशा आप पर अपना फ़ज़ल और करम रहे, आमीन। तो लिसनर्स, काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों के साथ स्टोरीज शेयर नहीं करी। एक तो रमज़ान शरीफ था, फिर उसके बाद मेरे मामू की डेथ हो गई, बस इसी मसरूफियत में मैं स्टोरी शेयर नहीं कर सकी। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है क्या, मेरे मामू के लिए, उनकी मगफरत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। आज की पहली स्टोरी मेरे साथ शबाना ने शेयर की है, मुल्तान से। शबाना बताती हैं कि मुल्तान में, क्योंकि जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा गर्मी का होता है, और जब भी गर्मी आती है तो बहुत जल्दी गर्मी होने स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि फेब के एंड से ही उधर जो गर्मी है वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कुदरती तौर पर कुछ बुज़ुर्गों की दुआ की वजह से, वो बताती हैं, बद्दुआ या दुआ जो भी था, मुल्तान के ऊपर जो सूरज है वो बहुत करीब हो जाता है, दैट्स वाई वहाँ पर गर्मी बहुत होती है। वो कहते हैं कि वो कहती हैं कि शबाना, मैं आपके साथ अपने घर का एक वाक़या शेयर कर रही हूँ। हम लोगों के घर की लोकेशन कुछ इस तरह है कि बहुत बड़ा सहन है, जैसे पुराने ज़माने में लोग घर बनाते हैं, आज भी मेरी मदर का घर उसी तरह है। और एक जो जैसे वो बरामदे बने होते हैं वो काफ़ी बड़ा सा है, और उसमें 5 रूम इकट्ठे एक ही लाइन में है सामने, कि जब हम इंटर से अंदर घर के अंदर इंटर होते हैं तो सामने वो उस बरामदे के 5 रूम इकट्ठे लाइन में हैं। सर्दियाँ हो या गर्मी है, हम सब लोग कम्बाइन रहते हैं, यानी कि मेरे मामू, मेरे चाचू, मेरी खालाएं, हम लोग सब इकट्ठे शुरू से रहते हैं। मेरे जो वालदैन हैं उनको अपने बहन भाइयों से बहुत मोहब्बत थी, और कुछ इस तरह हुआ कि हम सब लोग इकट्ठे बैठे होते थे, बातें करते थे, वक्त बहुत अच्छे से गुज़रता था। अब वो कहती हैं कि मैं मैरिड हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं। ये जो कहानी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये मेरे शादी से पहले के वाक़यात हैं। हम लोगों का जो घर था उसमें बहुत ज़्यादा जन्नात थे, और हम लोगों को कुछ डर इसलिए भी नहीं लगता था कि हम सब लोग इकट्ठे थे और बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर थे, जिसकी वजह से हमें बिल्कुल खौफ नहीं आता था किसी के साथ। कोई वाक़या अगर पेश आ भी जाए तो हम सारे इकट्ठे थे, हम सब लोग मतलब के साथ होते थे। वो कहती हैं हम लोगों के साथ अजीब से वाक़यात पेश आते थे, अक्सर हम लोग जब रात को सोए होते थे तो यूँ मालूम होता था जैसे हम लोगों की चारपाइयों के नीचे कोई भाग रहा है, और सुबह उठ के जब एक दूसरे को बताते थे तो सारे इकट्ठे बताते थे कि ऐसे लगता है कि चारपाई के नीचे कोई भाग कर नेक्स्ट चारपाई की तरफ जा रहा है, ये भी चीज़ होना। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जब हम लोग सारे सो जाते थे रात के टाइम, हम लोगों का सहन बहुत बड़ा था, और उसमें हम लोगों की 30 से 40 चारपाइयाँ इकट्ठी होती थी, हम सब लोग बातें करते थे, वक्त बहुत खूबसूरत था। तो मेरे जो चाचू हैं वो क्या देखते हैं कि जो हम लोगों का गैरली टाइप है, जहाँ से अंदर इंटरेस्ट आती है, वहाँ पे एक औरत खड़ी हुई है काले लिबास में, और वो मेरे चाचू को मुसलसल अपनी तरफ बुला रही है हाथ के इशारे से। मेरे चाचू समझ चुके थे कि ये एक गैर मरी मखलूक है और मुझे अपनी तरफ बुलाकर नुकसान देना चाहती है। मेरे चाचू कहते हैं कि मैंने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू करके अपने मुंह के ऊपर कपड़ा कर लिया, गर्मियों का मौसम था तब भी। तो
इस तरह होना हम लोगों के साथ। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि हम लोगों के जब हम लोग गर्मियों में बाहर सोए होते थे तो किसी भी काम के सिलसिले में रात के टाइम रूम के अंदर जाना तो अक्सर वो औरत उधर खड़ी हुई सबको नज़र आती थी। कभी किसी के रूप में नज़र आती थी, कभी किसी के रूप में नज़र आती थी, मतलब कि घर वालों के रूप में ज़्यादा नज़र आती थी ताकि वो हमें अपनी तरफ मतवजह कर सके। और जब हम उस फैमिली मेंबर उस यानी कि जब उस औरत को देखते थे कि फलां के रूप में ये इधर खड़ी है, उसको बुलाने लगते थे तो पीछे वही हम लोगों के ख़ानदान जो भी फैमिली का मेंबर होता था वो हमें पीछे से बुलाता था। और जब हम पीछे से पलट के देखते थे तो वो तो होते थे, लेकिन जब आगे देखते थे तो वो जो मखलूक खड़ी होती थी वो गायब हो जाती थी। इस तरह करके उस मखलूक ने हमें बहुत तंग किया, लेकिन उसने हमें बीमारी नहीं दी, लेकिन वो अपने होने का पूरा एहसास हमें दिलाती रही बचपन से लेकर हम लोगों के बड़े होने तक। और अभी भी अब कई लोगों के बीच में डेथ हो चुकी है, चाचों की, मामों की, तो अब वो सिलसिला तो नहीं रहा। कज़न सब भी मैरिड हो गए और वो अपने अपने घरों में शिफ्ट हो गए, लेकिन अभी भी वो मखलूक उसी रूप में उसी हुलिये में मेरी अम्मी को नज़र आती है। और अजीब बात यह है कि कई साल गुजर चुके हैं, यानी कि 40-50 साल से हम ये सुनते भी आ रहे हैं, उनको देखते भी आ रहे हैं, अभी भी वो जो मखलूक है, वो जो औरत है जिस रूप में नज़र आती थी, जिस एज में नज़र आती थी, सेम एग्जैक्ट मेरे चाचू बताते हैं कि अभी भी वो उसी एज और उसी उन्हीं कपड़ों में सेम एग्जैक्ट नज़र आती है, यानी कि उसमें कोई रदो बदल नहीं है, वो वैसी की वैसी है सेम। एक दफ़ा मेरे चाचू, हम सब लोग नीचे बातें करते थे सहन में, तो चाचू बहुत तंग होते थे, इसलिए वो हम लोगों से हमें डांट के कहते थे खामोश हो जाओ। लेकिन हम सब कज़न आपस में इतनी बातें करते थे, हम लोगों का चाचू मामू एक दूसरे से जो हमारा रिलेशन था कज़न्स का वो बहुत गहरा था, हम लोग एक दूसरे से बातें करना तो चाचू बहुत ज़्यादा तंग आ जाते थे। और वो हम लोगों से तंग आकर एक दफ़ा उन्होंने अपनी चारपाई उठाई और वो ऊपर अकेले छत पे सोने के लिए चले गए। चाचू बताते हैं जब मैं ऊपर छत पे गया, मैं अभी सोया था तो थोड़ी देर के बाद मुझे महसूस हुआ कोई मुझे अपनी मतलब कोई मुझे जगा रहा है, कोई ना दिखने वाली मखलूक की ताकत मुझे ऐसे महसूस हो रही थी जैसे वो मुझे अपनी तरफ मतवज्जो कर रही है। मैं जागा तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे सामने कुछ ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं और वो जो लोग हैं उनके हाथ में कुछ चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। जैसे ही वो लोग मेरे सामने आए उनके हाथ में मिठाई थी, यानी कि वाजिया मुझे मिठाई नज़र आई जब वो मेरे करीब आए, और वो ढेर सारी औरतें और बच्चे थे, उनको देख कर मैं बहुत डर गया और मेरे में जितनी ताकत थी मैं उठा और सीढ़ियों की तरफ भागने लगा। जैसे ही मैं सीढ़ियों के पास गया तो मैं गिर गया नीचे और मैंने ऊंचा ऊंचा शोर डाला। तब सब लोग चाचू की आवाज़ पर उठे और उठकर ऊपर की तरफ भागे तो चाचू सीढ़ियों के पास बेहोश हुए पड़े थे। अभी भी मेरे चाचू उसी घर में रहते हैं, मेरे वाले साहब हयात हैं, मेरी वालदा भी हयात हैं। मेरे चाचू अभी भी मेरे वाले साहब के साथ रहते हैं और उनकी जो बेटी थी उनकी शादी हो चुकी है। वो अभी भी बताते हैं कि वो मखलूक छत पर भी है और वो नीचे नज़र आती है। वो बहुत अजीबोगरीब चीज़ें हैं, लेकिन सबसे हम अल्लाह का जो सबसे बड़ी बात है जिसका शुक्र अदा करते हैं अल्लाह के यहाँ कि वो मखलूक हमें कोई बीमारी नहीं देती, हाँ सिर्फ डराती है और हमें रिज़्क की तंगी भी नहीं देती, लेकिन अपने होने का पूरा पूरा एहसास दिलाती है। खुदा ना खास्ता ख़ानदान में किसी की फोतकी होने लगे, कोई किसी की डेथ यानी कि होने लगे, तो वो चीज़ हमें ख्वाब में आकर भी बता देती है। लेकिन वो हमें डराती क्यों है, इस चीज़ को हम आज तक शबाना कहते हैं समझ नहीं सके। लेकिन आज उस घर में अब सिर्फ 20-25 लोग रह गए हैं जहाँ कभी ढेर सारे लोग हुआ करते थे। ये कहानी है शबाना की, जो उन्होंने मुल्तान से मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया शबाना अपनी स्टोरी भेजने के लिए। तो बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ शेयर की है वकास अहमद ने। वकास बताते हैं, मैं आपके साथ एक ऐसी लेडी, ऐसी औरत की स्टोरी शेयर करने लगा हूँ जिसका ये काम था कि वो लोगों के यानी कि जब लोग शिफ्टिंग करते हैं और लोग जब अपने घर को साफ़ वगैरह मतलब अपने सामान को साफ़ वगैरह करवाना चाहते हैं तो वो औरत उसका ये काम है कि वो जाकर लोगों की हेल्प करती है और यही उसकी ड्यूटी है, ये उसका वर्क है और यही उसकी जॉब है जिसको वो पूरा करती है। और वो कहती है कि इस काम में मेरा बहुत ज़्यादा दिल लगता है, मैं लोगों की हेल्प भी करती हूँ। कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो बहुत बुज़ुर्ग होते हैं जो मुझे पैसे नहीं दे सकते, मैं उनकी हेल्प भी कर देती हूँ और वैसे ये मेरी जॉब है, मैं सबसे अपनी पे लेती हूँ।
इसी तरह एक दफ़ा मुझे कॉल आई, एक शख्स की कॉल आई, वो मुझे कहता है कि हम लोगों ने अपना घर शिफ्ट करवाना है, लेकिन जो हम लोगों का सामान है वो तुम उसको सारा मतलब कि उसको ठीक कर दो, साफ़ कर दो, और उसके बाद जो हम तुम्हें बताएंगे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बाहर फेंक देना, और जो हमारे इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो तुम रख देना। वो उनके घर में गई, उस शख्स ने मुझे सब कुछ समझाया, समझाने के बाद जैसे उसने मुझे बताया मैंने वो सब कुछ किया, वो खुद चला गया। अब मैं सारे सामान को साफ़ कर रही थी, जैसे ही मैंने सारे सामान को साफ़ किया तो अचानक से मुझे किसी की आवाज़ आई, और वो आवाज़ किसी बच्चे की थी। मैंने पीछे से पलट के देखा तो पीछे एक बहुत खौफनाक चेहरे का बच्चा खड़ा हुआ था। उसका चेहरा बहुत भयानक था। उस बच्चे ने मेरी तरफ़ देखा और मुझे कहा कि जितनी जल्दी होता है इधर से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें शदीद नुकसान दूंगा जो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। मैं उस बच्चे की शक्ल देखकर ही डर गई और मैं फ़ौरन झट से बाहर निकली, और मैं बाहर निकल के इस बाहर गली में यानी कि स्ट्रीट में जाकर उस शख्स को कॉल की और उसको ये सारा वाकया बताया। उस शख्स ने जिस पर ये तस्दीक की कि वाकई इधर जन्नात रहते हैं और वो जन्नात हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और हमें रहने नहीं दे रहे और हमें बार बार कहते हैं कि इस घर को छोड़ दो, इसी वजह से हम घर छोड़ रहे हैं, और जिस स्टोर में तुम जिसके आगे खड़ी थी उस स्टोर में हम लोग नहीं जाते। मैं हैरान था कि तुम कैसे उस स्टोर के आगे खड़े होकर काम कर रही थी। शायद मैंने ये समझा कि वो लोग सिर्फ उन्हीं को तंग करते हैं जो उस घर में रहते हैं, लेकिन जब तुमने मुझे अब कॉल की तो मुझे ये वाकई यकीन हो गया कि वो सबको ही तंग करते हैं। जो भी उधर जाता है वो बच्चा उनके सामने आ जाता है और उनको बहुत ज़्यादा तंग करता है। और फिर इस तरह उस औरत ने कहा कि मैं इधर एक सेकंड भी नहीं रुक सकती, क्योंकि उस बच्चे की शक्ल इतनी खौफनाक थी और वो मुझे वाज़ेह कह रहा था कि मैं तुम्हें नुकसान दे दूँगा, इसलिए मैं जा रही हूँ, और जो मेरी पेमेंट है, जो मेरी पे बनती है इस काम की, वो आप मुझे मेरे अकाउंट में करवा दें। इस तरह वो औरत वहाँ से चली गई, और आज भी वकास कहते हैं कि वो उस वाक़े को याद करती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी थी वकास की जो उन्होंने यूके से मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास अपनी कहानी भेजने के लिए। इसी तरह के खौफनाक वाक़यात आप मेरे साथ शेयर किया करें और मेरे लिसनर्स को बहुत पसंद आएंगे। तो लिसनर्स आप सब लोग मुझे सपोर्ट किया करें। जिन्होंने अभी तक अपनी स्टोरीज़ को मेरे साथ शेयर नहीं किया तो लिसनर्स आप अपनी स्टोरीज़ को मेरे साथ शेयर किया करें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को भी कहा करें कि अपनी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर किया करें, इस तरह मेरे चैनल को और ग्रोथ मिलेगी। तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी पे आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन किया हुआ है, और फेसबुक लिंक भी जिस पे आप मैसेंजर पे भी अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं। और आज का अच्छा मैसेज ये है कि जितना हो सकता है अपने बुज़ुर्गों की खिदमत करें, उनसे मोहब्बत करें, उनसे दुआएँ लें। कोई पता नहीं ये रिश्ते कब एक सेकेंड में हमसे जुदा हो जाएँ और फिर ज़िंदगी भर हमारे सामने ना आए। खिदमत गुज़ार बने, खिदमत गुज़ार शख्स की दुनिया तो तारीफ करती है, अल्लाह के यहाँ उसके बहुत बुलंद रुतबा होता है, और वो अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होता है, क्योंकि जो आज हम अपने बुज़ुर्गों के साथ कर रहे हैं कल को वही हमारे साथ होगा। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। ये मेरा अच्छा मैसेज था आप लोगों के लिए, आई होप आप इस पर ज़रूर अमल करेंगे। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए, और अगर मेरे चैनल की स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी किया करें। मेरे चैनल की स्टोरीज़ को लाइक करके अपना फीडबैक भी दिया करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरे वालदैन को। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह नेगेबान।